start next topic in antacid chapter, magnesium containing antacid. Next compound is magnesium trisilicate. The chemical formula is magnesium trisilicate 2MgO magnesium, ठीक है, Si silicate और plus water. Water इसमें hydrated होता है, इसलिए हम इसमें क्या है water वो present है. और इसको हम second इस step से भी formula को लिख सकते हैं MgSiO3 in bracket 2 in SiO2 dot X, X मतलब number of molecules water के plus H2O. अब जो इसकी जो मैग्नीशियम कंटेंट ट्राइसिलिकेट है वो क्या हाइड्रेटेड है, ठीक है, सिलिकेट है, कोरस्पॉन्डिंग इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट है जो वो 260.8 ये इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है. उसके बाद है जो इसमें है अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला में 2MgO इंटू 3SiO2 with water. इसके साथ क्या ये water के crystallized present है, crystallization है. It is more likely to be mixture of magnesium metasilicate. ये जो है इस form को हम बोल देते हैं magnesium मैग्नीशियम मेटा सिलिकेट. जो मैग्नीशियम मेटा सिलिकेट है एंड कोलाइडर इसमें क्या है सिलिकॉन है जो वो कोलाइडर फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मतलब टू ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया हमारा एसआई सिलिकॉन ओ टू मतलब टू डाइऑक्साइड्स विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ वॉटर क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइजेशन बहुत सारी अमाउंट में मतलब नंबर ऑफ अमाउंट में जो हमारा वाटर है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट है इसकी जो है प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज फाइन वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस. ये जो कंपाउंड है ये क्या फाइन व्हाइट कलर का है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस क्या है, ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट. जो ये इनसोल्युबल है वाटर में एंड अल्कोहल में, ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है तो ये इनसोल्युबल क्या है वाटर और अल्कोहल में, बट ये जो मिनरल एसिड्स है उनमें क्या है सोल्युबल है ट्राई सिलिकेट हमारा. इसको हम जो इन मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट को स्टोर किसमें करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में. जो एयर टाइट कंटेनर्स है इसमें हम लोग इसे जो है वो स्टोर करते हैं. नेक्स्ट है इसमें जो है जो मैग्नीशियम सिलिकेट है इसका जो हम लोग यूज करते हैं दे प्रोवाइडेड सिलिकेट पॉसिबली प्रोटेक्ट द अल्सर फ्रॉम फर्दर एसिड. जो हमारे स्टमक में अल्सर है उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमें, ठीक है, पेप्टिक अटैक से अब्सॉर्ब पेप्सिन के अब्सॉर्बेशन में अब्सॉर्ब करने में ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट क्या हेल्प करता है. नेक्स्ट है हमारा जो इसकी फॉर्मेशन मैग्नीशियम जो ट्राइसिलिकेट है उसका एक साइड इफेक्ट है, ये क्या करता है डायरिया प्रोड्यूस करता है. अगर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट की हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होता है डायरिया हो जाता है. ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड है बट जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है अब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीटेड. ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है जो किडनी में अब्सॉर्प्शन और जो है एक्सक्रीशन डायरेक्टली कर लेता है, इसलिए इट इज फॉर्म ओनली इन द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट. ये नॉन सिस्टमिक की एग्जाम्पल उनका इसके कोर्स भी होते हैं जैसे डायरिया इसके एक रीजन है इसको लेने से डायरिया हो जाता है, इसलिए हम लोग जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है उसे इन ए कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं. यूजर डोज क्या इसकी 1 ग्राम फॉर टाइम अ डे, एक दिन में हम लोग 1 ग्राम इसका जो है वो यूज करते हैं 1 ग्राम. सेकेंड है इसका जो यूजर डोज रेंज है 1 to 16 ग्राम पर डे. जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है वो एज अ क्या
कम करता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा काम करता है फॉर मिनरल वेजिटेबल्स और एनिमल सेल्स के लिए। इसको हम विच आर यूज इन प्रॉपर पोर्शन, हम प्रॉपर जो क्वांटिटी में रेशियो में इसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड थे, जो हमारे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड थे वो क्या है, इसमें जो गुड नंबर ऑफ मैग्नीशियम साल्ट्स है, जैसे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हमारे ऑक्साइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड देन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये हमारे कॉमन जो एंटासिड्स यूज होते हैं वो है। एक्सेप्ट जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, इसको छोड़कर जो बाकी सारे हैं उनका जो सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो मैनर है एक्ट करने का वो बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंट है वो सिर्फ जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का है वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जो मैग्नीशियम आयंस है वो क्या है, वो हमारे जीआईटी ट्रैक में अब्जॉर्ब नहीं होते रेडली, बिकॉज क्योंकि उसमें अल्कलाइन मीडिया होता है, सेम अब्जॉर्प्शन इज स्टार्टेड बाय अल्कलाइन मीडियम, दस मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर प्रैक्टिकली नॉन सिस्टमिक। हमने दो टाइप के एंजाइम्स पढ़े थे, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक जो थे उसके सोडियम बाइकार्बोनेट था, जिसको जो कि हमारे स्टमक में जाके रेडली अब्जॉर्ब हो जाते थे रैपिडली, ठीक है, और इजिली अपने एक्शन प्रोड्यूस करते थे। जो हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड है उसमें क्या होता है, वो क्या हमारे इजिली अब्जॉर्ब नहीं होते, जैसे जो मैग्नीशियम आयंस है, ठीक है, वो क्या हमारे बॉडी में जल्दी इजिली अब्जॉर्ब नहीं होते, जिससे क्या है हमारे जो बॉडी में इनका कॉज हो जाता है, ये स्लोली एक्शन अपना प्रोड्यूस करते हैं और काफी लॉन्ग टाइम के बाद एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है टेक प्लेस ओनली इन द एसिड मीडियम ऑफ द ड्यूओडेनम। इसकी जो हमारे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है ये आप कहां पर होते हैं, ड्यूओडेनम में अब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि ये एसिड बेस है, एसिड के कारण ये क्या हमारे ड्यूओडेनम में जाकर क्या अब्जॉर्ब होगी ड्रग्स। एंड ड्यू टू स्लो अब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम आयंस ए सलाइन लैक्सेटिव एक्शन अकर अपॉन द इनटेक ऑफ एनी वाटर सोल्युबल मैग्नीशियम इन सोल्युबल सॉल्ट मैग्नीशियम सॉल्ट। अगर इनका जैसे ये स्लो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, स्लोली अब्जॉर्ब होते हैं तो स्लो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, उसके कारण क्या है ये डायरिया प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग कोई और मेडिसिन ले लें उसके बाद या फिर हम लोग अगर वाटर का यूज कर लें तो ये क्या होते हैं डायरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। जो मैग्नीशियम साल्ट्स है उसको हम यूज किस में नहीं करते, जिन पेशेंट्स को रेनल किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रेनल डेफिशिएंसी होती है, रेनल फेलियर, जिन पेशेंट्स को रेनल फेलियर की प्रॉब्लम होती है उनको हम लोग क्या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट प्रिस्क्राइब नहीं करते। ये क्या करते हैं उनकी जो रेनल के है उसको और ज्यादा खराब कर देते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं किडनीज की, बिकॉज जो मैग्नीशियम है एनायनिक पार्ट होता है, ठीक है, क्यों नहीं हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम है इसमें रिटेंशन रेडी मैग्नीशियम पॉइजनिंग में अकर, यह क्या कर देता है रेनल फेलियर वाले पेशेंट्स में मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम की पॉइजनिंग है वो अकर कर देता है, ठीक है, जिसे हम लोग पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा इनफैक्ट जो इट इज द एनायनिक पार्ट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट रैदर देन मैग्नीशियम कटायन दे कन्फर्म्स द एंटासिड एक्शन। अब इसमें जो ये एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसका जो मैग्नीशियम एनायंस का कटायंस का जो इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या एंटासिड की एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो मैग्नीशियम एंटासिड्स है वो प्रैक्टिकली क्या है वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है, बट डिजोल्व अगर हम इसे एसिडिक मीडिया में स्लोली स्लोली डिजोल्व करें तो ये क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम
सॉल्ट जो इसकी जो है डिसोल्यूशन करते हैं जब लोग मैग्नीशियम सॉल्ट का, तो वो क्या स्लो डाउन है, जो उसकी पीएच है वो स्लो हो जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है धीरे धीरे, उसकी पीएच कम होने लग जाती है और वो न्यूट्रलाइज 7 पीएच में आ जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो हमारा वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है इसमें 3 MgCO3 MgOH2 × 3 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, CO मतलब कार्बोनेट मैग्नीशियम प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारे वाटर के जो है वो मॉलिक्यूल्स है। अब जो नेशनल फॉर्मूला है यूएसए की, उसने रेफर किया था ये फॉर्मूले, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, जो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, व्हाइट लाइट बल्कि टाइप के पाउडर होता है। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो लाइट वेट में होता है, इसलिए हमें ये ज्यादा बल्क फॉर्म में प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, व्हाइट कलर का है और लाइट होता है इन नेचर में। ये क्या होता है हमारा ऑर्डरलेस है और स्टेबल इन एयर, एयर में स्टेबल है और ऑर्डरलेस है। और जो इनसॉल्युबल है, जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसलिए ये भी क्या इनसॉल्युबल है वाटर। नेक्स्ट है जो इसके हमारे एंटा एसिड्स है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड जो है अनायंस ये रिएक्ट करते हैं विद गैस्ट्रिक एचसीएल, जो हमारा गैस्ट्रिक एचसीएल उसके साथ रिएक्ट करेंगे, एंड इसलिए हम लोग इसे जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन जैसे कैल्शियम और एल्युमिनियम एंटासिड के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन एंटासिड का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो यूजुअल डोज है हमारी वो क्या 500 mg × 2 g/4 times daily। अब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो हमें फाइंड कहाँ से होता है, फाइल टू यूज एज ए, हम इसे सलाइन कैथार्टिक्स के तौर पर भी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इसकी डोज क्या 8 g देते हैं, इसे हम लोग सेकंड यूज करते हैं टूथ पाउडर्स में, ठीक है।
पाउडर, कॉस्मेटिक्स, दूसरा सलाइन कथार्टिक्स है, टूथ पाउडर में यूज करेंगे, एज अ कॉस्मेटिक हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और यूज करते हैं सिल्वर पॉलिश, जो हम लोग सिल्वर पॉलिश करते हैं गेट्स पे, ठीक है, कलरिंग करते हैं, उसमें भी हम लोग इसे यूज करेंगे। इसके क्या फोर यूज है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला, MgO, इसका मैग्नीशियम का ऑक्साइड, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड का O। सिनोनिम हम इससे सेकंड नेम इसका क्या मैग्नीशिया। प्रॉपर्टीज क्या है, हमें टू डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, वैराइटीज में, ठीक है, एक लाइट और एक हैवी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जो लैब में भी यूज करते हैं वो क्या, एक लाइट होता है और दूसरा हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। इसमें क्या है, जो टू ऑक्साइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इज डेंसिटी, इनकी क्या डेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे 5 ग्राम ऑफ लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्या ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, जो है ऑक्यूपाई करता है 40 से लेके 40 से लेके 50, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 40 से 50 ml तक। सेकेंड है जो हमारे पास हैवी है, जो हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो अगर हम 5 ग्राम लेंगे तो वो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 ml। इनकी डेंसिटी क्या है कि जो हमारा लाइट मैग्नीशियम है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और जो हैवी मैग्नीशियम है उसका वॉल्यूम तो 10 to 20 ml होता है। उसके बाद बोथ जो है दोनों ही ऑर्डरलेस है, ठीक है, दोनों ही प्रैक्टिकली जो है इनसोल्युबल इन वाटर है और एंड अल्कोहल, बट सोल्युबल इन डिल्यूट एसिड, जो दोनों ही इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, सोल्युबल इन डिल्यूट एसिड और इनसोल्युबल इन वॉटर एंड अल्कोहल। उसके बाद इसमें क्या है, जो लाइट मैग्नीशियम है वो अगर करता है बल्कि वेरी बल्कि, क्योंकि लाइट वेट होने के कारण वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा पड़ती है अगर हम जो भी इसे वे करते हैं। व्हाइट पाउडर होता है एंड इसमें क्या, इट मे बी मोल्डेड इन क्यूब्स, ये क्यूब्स में भी प्रेजेंट हो सकता है पाउडर। जो हैवी मैग्नीशियम है ऑक्साइड वो क्या करता है, वो भी व्हाइट पाउडर में ही अवेलेबल होता है। अब इनसे हम अगर एयर में रख दें, ओपनली रख दें एक्सपोज टू एयर, तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है,
जो लाइट मैग्नीशियम है वो क्या बना रहता है, अगर जो हमारा जब लाइट मैग्नीशियम में एयर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रेट्स बना लेता है, ठीक है, जैसे MgOO, वो मैग्नीशियम हाइड्रेट बना लेता है और इजिली वो क्या मोर इजिली देन हैवी ऑक्साइड, हैवी ऑक्साइड से जल्दी, एंड विल डिजॉल्व इनटू वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड्स। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो वो हमें फॉर्म होता है किसमें, गैस इनटू सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। अब इसमें क्या है हमारे स्टोरेज क्या, जैसे ये मॉइस्चर और है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है मैग्नीशियम लाइट, तो इसलिए हम जो इसकी स्टोरेज है वो किसमें करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में, एंड इन लो डोज मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्क एज एन एंटासिड। अगर हम इसकी कम क्वांटिटी यूज करें लो डोज तो वो वर्क एज अ करता है एंटासिड, और हायर डोज है वो वर्क करेगा एज अ लक्सेटिव। अब जो लो डोज है वो तो एंटासिड वर्क करेगी, अगर हम लोग इसकी डोज हाई दे दें तो वो क्या करती है, वर्क एज अ लक्सेटिव। उसके बाद है जो मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक ऑक्साइड एंड चारकोल, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। इसका अदर यूज किस में होता है, एंटीडोट में, जब हम लोग जो यूनिवर्सल एंटीडोट है उसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, टैनिक एसिड प्लस चार, ये तीनों मिलकर क्या वर्क करते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट बनाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पॉइजनिंग के जो काउंटर रिएक्टर पे यूज करते हैं, उसको एक्टर को कम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट बना है, हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रेपरेशंस। अब जो हमारे पास सिंगल एंटासिड्स है वो मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बट जो हमने जो अगर हम किसी भी सिंगल से एंटासिड बनाते हैं वो एंटासिड तो बन जाता है, बट उसमें क्या जो आइडियल कॉम्बिनेशंस होते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज एंटासिड्स की, वो कंपाइलिंग होती, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट अ सिंगल इंग्रेडिएंट डोजेस फ्रॉम एंटासिड इन द मार्केट, जो हमारे सिंगल जो डोज फॉर्म है उसको मार्केट में पहुंचाना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर इन अटेम्प्ट, जो जिससे क्या होता है, जो हमारे कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, ताकि उसको बैलेंस कर सकें, उसकी जो साइड इफेक्ट्स को, उनके जो साइड इफेक्ट वो कम कर सकें। उसके बाद है जो कैल्शियम एंड एल्युमिनियम कंपाउंड्स है विद लक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम कंपाउंड, सम ऑफ दीज प्रोडक्ट कंटेन फास्ट एक्टिंग एंटासिड, सम कई बार ये क्या है लक्सेटिव भी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, सबका साइड इफेक्ट। कई बार जो हमारे एंटासिड्स हैं वो फास्ट एक्टिंग एंटासिड्स भी काम करते हैं। उसके बाद है जो इनमें जैसे हमने जो रिफ्लेक्स सुपरसेंटेड है, ठीक है, ये हम क्या स्टमक में फ्लोटिंग कंटेंट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए हम लोग क्या है जो इनको सम कॉमनली कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ओसोफेगस में इन्फ्लेमेशन ना हो सके, ठीक है, हमारे जो है डिफॉल्टिंग एजेंट्स ना बन सके, ठीक है, कोई भी हमारे प्रॉब्लम रिएक्ट ना हो सके इन बॉडी में। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का कॉम्बिनेशन विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। सेकंड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल प्लस मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कॉम्बिनेशन, मैगलड्रेट, मतलब इसमें क्या होता है जो मैगलड्रेट है ड्रग है उसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, एल्युमिनेट हो गया, ये सारे जो है कंपाउंड्स हैं इक्विवेलेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है एल्जीनिक एसिड कंटेनिंग एंटासिड कॉम्बिनेशन हो गया, सिमेथोसिकॉन और डाइमेथोकॉन
जो है कंटेनिंग एंटा एसिड्स हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ये हमारा जो एंटा एसिड का चैप्टर है यहीं पर खत्म हो गया। इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फर्स्ट है इसके क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है, या फिर इसके जो कंपाउंड्स है राइटोफ्लोटोनोन सिस्टमिक कंपाउंड या नॉन सिस्टमिक कंपाउंड्स है उन पे क्वेश्चन आ जाता है। मेन इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है फाइनल एग्जाम्स में। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो गया।